अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ मिलिहा राणा एंड आई एम अ क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट। एंड आज के इस मौके पर जिस पे आप लोग सब इकट्ठा हुए हैं, पहले तो मैं आप सब लोगों को बहुत वेलकम करती हूँ और बहुत थैंक यू सो मच कि आप इस इवेंट पे आए। आज 3 मार्च है, वर्ल्ड हेयरिंग डे, और मैं सुनाई फाउंडेशन को बहुत कंग्रेचुलेट करती हूँ फॉर कंडक्टिंग दिस वंडरफुल सेमिनार। और दिस सेमिनार का उनवान है, उसका फोकस है डेफनेस एंड इट्स अफेक्ट ऑन मेंटल एंड फिजिकल वेलबींग। और ये हमारी वेलबींग के लिए डेफनेस और मेंटल वेलबींग काफ़ी हद तक रिलेटेड है, क्योंकि मेरे पास काफ़ी हद तक कुछ ऐसे केसेस आते हैं जो कि डेफनेस को या हेयरिंग प्रॉब्लम्स को जब नहीं अच्छे तरीके से आइडेंटिफाई करके उनको रिकग्नाइज नहीं करते और उनको नहीं सही तरह ट्रीटमेंट दिया जाता, तो बहुत से लोग डिप्रेशन और डिफरेंट साइकोलॉजिकल इशूज़ का भी शिकार होते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा मैं अपना इंट्रोडक्शन भी करवाऊंगी। आई एम अ डॉटर ऑफ प्रोफेसर डॉक्टर नसरुल्लाह राणा, और मेरी अबू की बहुत ख्वाहिश थी इस आई फाउंडेशन को डेवलप करने के लिए, और आज जो भी उनका ख्वाब था, ड्रीम जो है, इट केम ट्रू टुडे। प्रोफेसर डॉक्टर नसरुल्लाह राणा की बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है ENT की फील्ड में पाकिस्तान में, स्पेशली जो कि ENT डिजीज़ के हवाले से उन्होंने बहुत ज़्यादा अवेयरनेस क्रिएट की थी अमंग मासेस, यानी कि आम लोगों में बहुत ज़्यादा इस चीज़ की आगाही दी थी। और डिफरेंट उन्होंने भी मोर देन 1000 लेक्चर्स दिए डिफरेंट TV चैनल्स को। तो यही एक मेरी भी सोच है पीछे कि दो आई वो क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट और मैं आई रही नफ्सियात होने के नाते मैं मेंटल हेल्थ अवेयरनेस के ऊपर बात करती हूँ, उसके ऊपर लिखती हूँ, और उसी के हवाले से मेरा भी एक चैनल है जिसका नाम है एम्पैथी फॉर ऑल, जिसके ऊपर मैं ज़्यादा से ज़्यादा मेंटल हेल्थ अवेयरनेस के हवाले से वीडियोज़ डालती हूँ अपने क्लिनिकल एक्सपीरियंस से, क्योंकि मैं एज अ कंसल्टेंट काम कर रही हूँ इधर हलाल अहमद हॉस्पिटल में कराची में, और पाकिस्तान एसोसिएशन फॉर मेंटल हेल्थ उनकी एग्जीक्यूटिव कमेटी मेंबर हूँ और उनकी क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हूँ। मेरा काफ़ी हद तक वास्ट एक्सपीरियंस है, तो मुझे बहुत एक मेरी ख्वाहिश थी, एक ख्वाहिश थी कि जिस तरह के मेरे पापा के अंदर इंस्टिंक्ट थी मैसेज में अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए, और उन्होंने ENT के डिजीज़ को ट्रीट करने के लिए बहुत ज़्यादा उनकी मेजर कॉन्ट्रीब्यूशन है, तो मेरा भी यही एक अपना पीछे मानना है कि ठीक है, जैसे भी होता है, जो भी आपके पेरेंट्स के आपके वर्चुअल्स होते, तो आपको उनके बच्चे होने के नाते उन वर्चुअल्स को और उन चीज़ों को आगे कंटिन्यू करना चाहिए। तो मेरी सुनाई फाउंडेशन की इस लॉन्च में मुझे बहुत बेहद खुशी है कि आज जो भी उनका ख्वाब था वो आज पूरा हुआ है और फाइनली इस चीज़ को पाया तकमील तक पहुँचाया गया है। सुनाई फाउंडेशन जो है आने वाले टाइम में इंशाल्लाह बहुत ज़्यादा तरक्की भी करेगी और ENT डिजीज़ जो कि पाकिस्तान में है उनको ट्रीट करने में, उनको ठीक करने के लिए, तो इस तरह की कोशिशों को, इस तरह की चीज़ों को हम लोगों को अपनी सोसाइटी में और प्रमोट करना चाहिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में आगाही भी पैदा हो सेमिनार्स के हवाले से और इन चीज़ों को ट्रीटमेंट भी दिया जाए। तो जो इस सेमिनार का फोकस था डेफनेस एंड इट्स इफेक्ट ऑन मेंटल एंड फिजिकल वेलबींग, तो उसके हवाले से मेरा यही मानना है कि जिस तरह की चाहे जिस तरह हमारी मेंटल हेल्थ इंपॉर्टेंट है, फिजिकल हेल्थ, तो दोनों एक कॉम्बिनेशन है जो एक वेलबींग को बनाते हैं। मेंटली फिट होना और फिजिकली फिट होना दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है ताकि आपकी वेलबींग के अंदर वो प्रमोट हो। तो जिस तरह के कुछ काफ़ी हद तक केसेस आते हैं कि जब उनको इस तरह के हेयरिंग के मसाइल होते हैं, या बहुत सारे बच्चे आते हैं हमारे पास जो कि स्पीच इशूज़ का शिकार होते हैं, तो जब एक जब कॉक्लियर प्लांट या जो भी सुनाई फाउंडेशन का एक प्रमोशन का हवाले से है कि इन लोगों में हेयरिंग प्रॉब्लम्स को ट्रीट किया जाए, तो जब उनकी हेयरिंग ठीक होती है तो काफ़ी हद तक उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ बेहतर होती है। जब क्वालिटी ऑफ लाइफ बेहतर होती है तो उनकी मेंटल वेलबींग इंपॉर्टेंट और वो भी ठीक होती है। तो देखें, ये पूरा एक कॉम्बिनेशन है, तो हमें इस तरह की कोशिशों को इनकरेज करना चाहिए अपनी सोसाइटी में। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम एंड कोऑपरेशन। सी यू इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।